आगे बढ़ते हैं और अब खबर जयपुर से। ग्रेटर नगर निगम की सौगात, मालवीय नगर जोन को 65 नए हूपर की सौगात दी गई है। 1200 किलो की क्षमता है नए हूपर की, तो वहीं अब तक 600 किलो क्षमता के हूपर थे। जल्द ही मुरलीपुरा जोन में भी शुरू होगी नई व्यवस्था, तो जल्द ही मुरलीपुरा जोन में भी नई व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। तो जयपुर से खबर है, ग्रेटर नगर निगम की सौगात मिली है, मालवीय नगर जोन को 65 नए हूपर की ये सौगात मिली है। 1200 किलो की क्षमता है नए हूपर की, अब तक 600 किलो क्षमता के हूपर थे। जल्द ही मुरलीपुरा जोन में भी शुरू होगी नई व्यवस्था, तो जल्द ही मुरलीपुरा जोन में भी नई व्यवस्था शुरू की जाएगी। और कोशिश और कवायद यही है कि इसके माध्यम से शहर की सफाई व्यवस्था बनी रहे, सफाई व्यवस्था चरमराए नहीं, यही वजह ये बड़ी सौगात दी गई है। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, पूरी जानकारी सौगात को लेकर आपसे चाहेंगे और कितना फायदा मिलेगा। तो जयपुर से एक खबर है, ग्रेटर नगर निगम की सौगात जिससे जुड़ी ये खबर, मालवीय नगर जोन को 65 नए हूपर की सौगात। 1200 किलो की क्षमता है नए हूपर की, तो वहीं अब तक 600 किलो क्षमता के हूपर थे। ये तस्वीर भी जरा आप देखिए, हरी झंडी यहाँ पर दिखाई जाएगी और इस हरी झंडी के साथ ही हरी झंडी मिलेगी सफाई व्यवस्था को बनाए रखने में इन नए हूपर्स को। तस्वीर भी जरा आप देखिए, मेयर सौम्या गुर्जर मौके पर मौजूद हैं और हरी झंडी उनके द्वारा दिखाई जाएगी। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, पूरी जानकारी सौगात को लेकर आपसे चाहेंगे। देखिए बिल्कुल आयुषी, आपको बता दूं कि ग्रेटर नगर निगम की ओर से आज 65 ऊपर यानी कि 65 ऊपर ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय से मालवीय नगर जोन के लिए रवाना किए जाएंगे। तो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ग्रेटर के जो कमिश्नर हैं महेंद्र सोनी, उसके साथ साथ जो महापौर हैं सौम्या गुजर, वो हूपरों को हरी झंडी देकर रवाना यहाँ पर कर रही है। और सबसे बड़ी खासियत इन हूपरों की है कि पहले जो हूपर होते थे उनमें 600 किलो टन यानी कि जो कचरा की जो व्यवस्था थी वो भरा क्षमता थी, लेकिन ये जो वाले नए जो हूपर हैं इनमें 1200 प्रति टन की क्षमता है, यानी कि उनसे करीब 500 जो टन क्षमता है वो यहाँ पर ज्यादा है। और ये आज मालवीय नगर के लिए एक बड़ी सौगात है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जयपुर की जो सफाई व्यवस्था है वो बेहद जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों से नगर निगम ने सफाई के लिए काफी अभियान यहाँ पर चलाए हैं। पिछली बार जब बीबीजी कंपनी थी तो लगातार शिकायतें सफाई व्यवस्था को लेकर आ रही थी, उसके बाद नगर निगम ने बीबीजी कंपनी को रवाना कर दिया और खुद सफाई की जो व्यवस्था है निगम के हाथों में ली। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि मेयर और जो कमिश्नर है उन्होंने हरी झंडी यहाँ पर दिखा दी है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बीबीजी के बाद निगम के हाथों में सफाई व्यवस्था आ गई है, तो इसी के तहत जो टेंडर किए गए थे उसके बाद जब हूपर्स यहाँ पर आए तो आज इन हूपर्स को ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय से रवाना किया जा रहा है। और आप देखिए गाना भी देख सकते हैं कि उसमें जो गाना है जो आमतौर पर जो लोगों को जागरूक करता है कि घर घर जब कचरे की गाड़ी पहुंचती है। बिल्कुल, भारत, अपने आप में बड़ी सौगात मिली है और अपने आप में बेहद खास ये सौगात है। सफाई व्यवस्था और भी ज्यादा बेहतर होगी और इसी कोशिश और कवायद के तहत ये सौगात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। रवाना किया गया है, आप सभी ने देखा है कि ये हूपर्स की कैपेसिटी भी जो पहले चला करते थे पुराने हूपर्स उससे डबल कैपेसिटी है इसमें और संख्या भी ज्यादा है। हर वार्ड में मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 4 से 5 हूपर भी हो सकते हैं। तो इस तरह है रहा है ये नई व्यवस्था। और साथ ही इन हूपर्स में पीछे आप देख रहे होंगे, पीछे अलग से एक एंगल लगाया हुआ है, उसमें गाय की रोटी का भी एक अलग से बॉक्स लगेगा जिसमें गाय की रोटी जो है गाय माता तक रोटी पहुंचे, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति और सभ्यता रही है कि हर पहली रोटी गाय के लिए निकलती है। तो वो एक सांस्कृतिक वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए भी एक नई ये अनूठी पहल की गई है और साथ ही ये व्यवस्था अच्छे से काम करेगी। और सभी आज मेरे साथ में डिप्टी मेयर, कमिश्नर साहब और सारे हमारे मालवीय नगर के सभी जनप्रतिनिधि, सफाई कमेटी के चेयरमैन, सारे इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। 1010 वेस्ट को भी जोड़ा जा रहा था लेकिन इसमें नहीं, इसमें एक इजाडिनेस वेस्ट का है, दूसरा गाय की रोटी का है, पीछे 2 बने हुए हैं तो दोनों ही लगेंगे। और आज ये जो है अभी प्रारंभ हुआ है, कल से रेगुलर जो सुबह का टाइम होगा उस टाइम से शुरुआत होगी।
देखिए बिल्कुल आप ये देखिए कि जब भी कोई नई व्यवस्था होती है, कचरा संग्रहण हम कर रहे हैं तो वैसे भी हमारी प्राथमिकता है और बहुत मिनिमम सा, बहुत कम से कम शुल्क है और 3 महीने के लिए ट्रायल उस पर रहेगा कि 3 महीने में वो अपने जो डेटाज है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में रेगुलर शुल्क के रूप में तब्दील होगा। जब जनता को लगेगा कि रेगुलर सुबह हूपर एक निश्चित समय पर आ रहा है तो जनता स्वयं आगे बढ़कर खुश होकर वो मिनिमम सा छोटा सा शुल्क है वो देगी, क्योंकि नगर निगम के साथ में जब तक जन सहभागिता नहीं होगी तब तक नगर निगम अकेला काम नहीं कर सकता। जन सहभागिता के साथ में नगर निगम, जन प्रतिनिधियों के साथ में नगर निगम अच्छी तरीके से आगे कार्य करे, इसके लिए नई व्यवस्था की शुरुआत हुई है। अभी बाकी और जोन में नगर निगम खुद अपने श्रम के स्तर पर व्यवस्था करवा रहा है। थे जो सौगात दी गई है ग्रेटर नगर निगम के द्वारा मालवीय नगर जोन को 65 हूपर्स की, उसको लेकर जानकारी उन्होंने दी है। 7 जोन है, आज पहले जोन के रूप में मालवीय नगर जोन जिसमें 26 वार्ड आते हैं वहाँ हमने 65 हूपर्स को रवाना किया है। शेष जो वार्ड हैं, जो जोन हैं, उनकी भी प्रक्रिया चल रही है और आप देखेंगे कि एक व्यवस्थित डोर टू डोर कचरा संग्रहण जिसमें 100% कलेक्शन होगा हर घर से, हर कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से, वो व्यवस्था आने वाले 2 से 3 महीनों में आप पूरी तरीके से लागू पाएंगे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मेयर साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है उसके तहत हम जयपुर को सूरत, इंदौर, अहमदाबाद के समकक्ष सफाई की व्यवस्था में लेकर आ सकेंगे। देखिए अभी आपको बताया, ये आज से मालवीय नगर जोन में हमने नए जो वेंडर्स के साथ ये शुरू किया है, बीवीजी को रिप्लेस किया गया है और वी केयर एनवायरो एक नई कंपनी है, उनके 65 ऊपर और प्रत्येक ऊपर जो है 1200 किलोग्राम कैपेसिटी का है, जो कि पिछली चल रहे थे उससे लगभग डबल कैपेसिटी का है। इसके साथ ही मुरलीपुरा जोन का भी अगले हफ्ते में ये इसी कंपनी के जरिए चालू कर दिया जाएगा, ऊपर सभी बन रहे हैं, एक हफ्ते में मुरलीपुरा जोन भी चालू कर दिया जाएगा। इसी तरह हमने 7 जोनों के टेंडरिंग किया था लेकिन जहाँ जहाँ सफल रहे टेंडर वहाँ वहाँ शुरू कर रहे हैं। इसका एक लाभ ये होगा कि जो जयपुर में पहले से 312 ऊपर चल रहे हैं, अब चूंकि ये नए ऊपर जुड़ते जा रहे हैं तो वो निगम के जो छोटे लोकल ठेकेदारों के जो ऊपर्स हैं वो कुछ फ्री हो जाएंगे इन जोन से, तो जिन जोन्स में कमी है उन जोन्स में इन